अपनी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से टू हेल्प पीपल, तो बाकी भी, और सैम खान इज वेरी इफेक्टिव इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। तो आप ये जो दोनों हमारे लीडर हैं इनकी क्यादत में पार्टी जो है वो रवा दवा है, अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ है लेकिन एवरीथिंग इज गोइंग वंडरफुल। तो सैम खान साहब प्लीज। जी अमजद भाई, अस्सलाम वालेकुम तमाम जो भी अटेंडीज हैं टुडे, स्पेशली अपना सोहेल बड़ाई साहब, आपका पाकिस्तान से काउंसलर काउंसल जनरल आयशा अली साहब, जिनकी मेरे ख्याल से डेली उनसे बात होती रहती है, किसी न किसी इशू पे काफ़ी इशू चल रहे हैं, और भी जितने भी महज़ब मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। एक मसला सबका एक ऐसा है कि जिसमें इस सिलसिले में रोज़ाना वेबिनार्स और लोगों की काविशें काफ़ी शामिल हैं। काफ़ी हमारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को अगर आप देखा जाए तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी लिविंग इन अमेरिका इज वेरी वाइब्रेंट, और रोल ऑफ द पाकिस्तानी कम्युनिटी, एनी थिंग हैपन नॉट ओनली बैक होम इन पाकिस्तान स्पेशली इन अमेरिका, दे ऑलवेज वर्क टूगेदर एज ए वन कम्युनिटी। इतना भी हैं अपना मावेस सदीकी साहब यहाँ पर हैं, अली राशिद साहब हैं, जानी भाई वर्जीनिया में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों से जितना भी काम हो सकता है हम कर रहे हैं, और चाहे वो प्लेटफॉर्म किसी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो पाकिस्तान पीटीआई तहरीक इंसाफ का हो, मकसद हमारा सिर्फ ये है कि हम सब मिलके और जो हमारे रिसोर्सेज विद इन द कम्युनिटी अवेलेबल हैं उनको यूटिलाइज करते हुए कनेक्ट द डॉट्स और किस तरीके से आउटरीच कर सकते। अभी मैं अभी वेबिनार पे था तो लोगों की कॉलें, मुझे 3-4 दिन से लोगों को एक अजीब एक नया मसला शुरू हो गया, वो भी मैं काउंसिल जनरल के उस इंफॉर्मेशन में लाना चाहता हूँ कि पिछले 3-4 दिनों से लोग कुछ ऐसे हैं जो कि एक बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते हैं, उनके किसी एक आदमी को कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया है, और उसमें अब वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली को मजीद ना लग सके, तो लोगों की कॉलें आना शुरू हुई कि आप हमें किस तरह हेल्प कर सकते हैं कि हम उनको कोई प्रोवाइड करें कोई रूम किसी होटल में या किसी कोई किसी फैमिली में, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि वो अपनी फैमिली के साथ बाकी जो 15 दिन के जो क्वारंटाइन है वो रहे। अच्छा, दूसरी चीज हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं वो काउंसिल जनरल से भी बात हो रही थी, मेरी एम्बेसडर साहब से भी बात होती रहती है, जो नवाज साहब अपना अमजद नवाज भाई ने भी कहा जो एक बहुत बड़ा इशू है जो कि जो यहाँ जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी हैं वो बहुत ही अजियत में मुब्तला हैं, और एक पाकिस्तानी फ्लाइट ऑलरेडी 28 अप्रैल को जा चुकी है, इंशाल्लाह ताला आज एक फ्लाइट 2:30 पे वाशिंगटन डीसी से निकलेगी, इंशाल्लाह वो लोग भी काफी लोग वहां पहुंचेंगे। ये एक अजीब मसला है, और इसमें काफी हमारी ना सिर्फ काउंसिल जनरल एम्बेसी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा इश्यू था जो कि कोशिश से सॉल्व हो रहा है। हमने न्यू जर्सी में स्पेशली कोई तकरीबन बिटवीन अराउंड 60 पाकिस्तानी जो है वो उनकी अमवात का इनफॉर्मल जिसे हम डेटा कह सकते हैं उनका भी पता चल रहा है, और यहाँ तदफीन के भी मसाइल हैं, यहाँ जिन लोगों को गुसल नहीं दिया सकता तैमम का भी, अभी तो ये है कि गुसल का भी सिलसिला शुरू होना शुरू हो गया है। जो दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से न्यू जर्सी में स्पेशली जो हमने कहा है कि न सिर्फ हम जो अमेरिकन कम्युनिटीज है उनके साथ भी हम हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो राशन जमा किया था वो राशन दैट वाज एक्चुअली पाकिस्तानी राशन था, पाकिस्तानी ग्रोसरीज थी, तो वो हम लोगों को नहीं दे सकते थे, तो हमने क्या किया है कि अमेरिका में अगर जो लोग हमसे रीच आउट कर रहे हैं जो लोकल अमेरिकन हैं कि भाई इनको किसी ग्रोसरीज की जरूरत है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको $100 दे रहे हैं। तो हम ये एक एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी ये सिर्फ हम नहीं इम्प्रेशन देना चाहते कि वी ओनली वर्किंग for our community, our community reaching out to the other like चाहे वो African American हो, चाहे वो American हो, चाहे वो South Asian हो, सब मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, webinar तो रोजाना हो रहे हैं, doctors का एक हमने group यहाँ पर जिसमें pulmonologists भी हैं, doctor अपना जुबैर हैं और 3-4 और डॉक्टर हैं जो कि हम मिलके, हमारी एक हॉटलाइन भी है, अगर हम अभी एक साहब थे जो कल जिनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी ब्रीदिंग की, तो डॉक्टर साहब से हमने डायरेक्ट फोन पे उनको मिलाया और उनसे डायरेक्ट बात की, डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारी कंडीशन इस तरह है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो वो साहब हॉस्पिटल गए, वहां उनका एक्सरे वगैरह कराया गया, तो वो नाउ इज इन प्रोसेस। तो इस तरह की छोटी छोटी जो काविशें हैं, और तमाम लोग ये जितने भी यहाँ वेबिनार में सब लोग बैठे हैं सब अपने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए अपने अपने तरीकों से सब कम्युनिटी की हेल्प कर रहे हैं, और ये जो टास्क फोर्स
का जो मसला है अमजद भाई जो चेयर कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट का लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे कि पीटीआई जो अपने रिसोर्स इस्तेमाल कर सके, पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो जो हमारे कनेक्शन है उनको यूटिलाइज करते हुए। मैं यहाँ पर अमेरिकन पॉलिटिक्स में काफी हूँ, मेरे गवर्नर ऑफिस से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कल हम 10,000 मास्क गवर्नर के हैंड ओवर करेंगे अपना एज ए कम्युनिटी। तो दिस काइंड ऑफ वर्क वी नीड टू डू। अमजद साहब का जो काम है वो जो लोगों को कनेक्ट करना, जो इतने लोग जो डॉक्टर, चाहे वो वर्जीनिया का चैप्टर हो, चाहे वो हमारा मिजूरी का चैप्टर हो, शिकागो का चैप्टर हो, इन सब के साथ कनेक्टिविटी करते हुए अपनी एफर्ट्स को इज्तिमाई एक ताकत देते हुए, वो टास्क फोर्स का हमारा काम होगा। और जानी भाई का, अमजद नवाज साहब का और जो दूसरे हमारे जो प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं, ये सब मिलके पीटीआई जो पीटीआई यूएसए जो है वो एक टास्क फोर्स की सूरत में एक ऐसा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक सख्त जरूरत है एक फोर्स की, एक कनेक्टिविटी की, एक ताकत की, जो एक इज्तिमाई इंफरादी ताकत मिलके एक इज्तिमाई ताकत बनके हम सब पाकिस्तानी कम्युनिटी का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सैम भाई, बहुत शुक्रिया। अमजद भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जर्नलिस्ट काफी देर से बैठे हैं यहाँ पे, जहां से बड़ी साहब है एआरवाई टीवी से, यानी भाई टीवी वन से, एक मिनट दीजिए।